चंद हफ्तों से मुल्क भर के करोड़ों इंटरनेट सार्फीन शदीद परेशान हैं। स्लो इंटरनेट से एक तरफ घरेलू मोबाइल सार्फीन मुतासर हो रहे हैं तो दूसरी जानिब फ्रीलांसर्स, ई कॉमर्स, बैंकिंग सेक्टर, कारोबार, वर्चुअल एजुकेशन समेत तमाम ही शोबा जिंदगी के अफराद परेशान हैं। पाकिस्तान में फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई है जिसकी वजह से पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री तबाह होकर रह गई है और ऐसा लग रहा है जैसे हम 10 साल पीछे चले गए आईटी की टेक्नोलॉजी में। तो बिल्कुल अब जो हमारा काम था एक तरह से बंद ही हो गया। सेफ्टी है कि जिससे अपना घर ही सेफ नहीं है, ठीक है। तो आप इंडिया की तरफ अगर चले जाएं तो वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने फ्रीलांसर्स को, नेट के उसमें किसी भी शोबे में चले जाएं। यहाँ पे 4G भी ठीक से नहीं चलता, वहाँ पे 6G की बातें हो रही हैं, 5G की बातें हो रही हैं, चांद पे जाने की बातें हो रही हैं। ये इंडिया को काफी ज्यादा ब्लेम किया जा रहा है इन पाकिस्तान के, इंडिया ने कुछ कर दिया है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो हो चुका है। कह रही है कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जो 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 जिसे कहते हैं ना इंटरनेट सर्विलेंस जो है वो भी जारी बात है बढ़ानी पड़ेगी हुकूमत पे, जो जो साइबर अटैक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हुकूमत डिजिटल गवर्नेंस की बात कर रही है। एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क भारत है जिसकी आईटी इंडस्ट्री इस कदर बूस्ट हो चुकी है, जिसकी आईटी इंडस्ट्री की वजह से आज इंडिया दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी बन चुका है। आना नहीं चाहते और अपनी अपनी हांक रहे हैं। आपको कोई बात समझ आई है जो ये फरमा रहे हैं? पीटीए के चेयरमैन साहब कहते हैं कि किसने कहा ये फायरवॉल है, ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम है। आपकी डिजिटल इकोनॉमी तो गारत हो रही है ना, $300 मिलियन का नुकसान तो आपने खुद मान लिया ना। अब भाई वो भी आपने बंद कर दिया है तो मैं तो यही बोलूंगा आप हमारी रोटी भी बंद कर दो, कल को आप हमारी सांसें भी बंद कर दोगे। गवर्नमेंट की सुन लें, जो हमारी पार्लियामेंट है सेनेट है वो ये कहती है जी हमने हुकूमत को कहा है कि 2 हफ्तों में रिपोर्ट दे। भाई 2 हफ्तों में तो भैया तबाही मच जाती है, 2 हफ्ते ये तो 2 घंटे का काम होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा पाकिस्तान में इन दिनों इंटरनेट की लंका लगी हुई है। पड़ोसी मुल्क में इंटरनेट इतना स्लो हो गया है कि कई विदेशी कंपनियां देश छोड़कर बाहर जा रही हैं। पाकिस्तानी यूजर्स ने अपनी सरकार को इस कदम के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार ने इसका पूरा आरोप भारत पर लगा दिया कि भारत ने एक ऐसा टेक्नोलॉजी बना लिया है जो पाकिस्तान के पूरे इंटरनेट को स्लो कर दिया है। हालांकि पाकिस्तानी लोगों का मानना है कि पाकिस्तान में स्लो इंटरनेट के पीछे फायरवॉल सिस्टम है जो खुद पाकिस्तानी सरकार ने इसको इंस्टॉल किया है। पिछले कुछ हफ्तों में यूजर्स व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप के जरिए सोशल मीडिया फाइलें और नोट्स भेजने में डाउनलोड करने में परेशानी की शिकायत की है। वहीं पाकिस्तान में आए बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने भी ये कंप्लेन किया है कि पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं चल रहा है। पाकिस्तानी आईटी कंपनी ने ये चेतावनी दी है कि स्लो इंटरनेट के कारण पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था को $300 मिलियन तक का नुकसान हो सकता है। एसोसिएशन ने यह भी चिंता जताई है कि सरकार जल्दबाजी में राष्ट्रीय फायरवॉल लागू कर रही है। हालांकि बताया जा रहा है स्लो इंटरनेट करने के पीछे पाकिस्तानी फौज का काम है क्योंकि इमरान खान के फॉलोवर्स इतने बढ़ गए हैं कि आज उनकी फौज उनको संभाल नहीं पा रही है। पाकिस्तान में फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई है जिसकी वजह से पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री तबाह होकर रहेगी। हमने अपनी डिजिटल इकोनॉमी तबाह कर दी है अपने हाथों से, अपनी डिजिटल इकोनॉमी का हमारी हुकूमत ने गला घोट दिया है। एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क भारत है, उनकी आईटी इंडस्ट्री इतनी तेजी से बूस्ट कर रही है और हम देखें कि हमने अपनी आईटी इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद करके रख दिया अरबों रुपए का, दिनों के अंदर हमारे फ्रीलांसर को जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। कभी जो है 72 घंटों के लिए है पाकिस्तान की लाइट बंद कर दी जाती है, कभी इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, कभी मोबाइल सर्विसेज मुअत्तल कर दी जाती हैं। ये करना क्या चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ? 21वीं सदी में रहते हुए भी हम पत्थर के दौर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहूँगा कि 2022 में जितना फ्रीलांसिंग से पैसा कमाया गया ना, इतना फैक्ट्री के मालकान ने भी पैसा नहीं कमाया। अच्छा। और ये बड़ी खुशी की बात थी पाकिस्तान के लिए। एक यूथ को पहले तो ये है कि हमारे मुल्क में जॉब्स नहीं है, हमारे जो मुल्क का मास्टर एमफिल, आप जानते हैं कि 27,000 डॉक्टर PhD डॉक्टर हमारे मुल्क में बेरोजगार फिर रहे हैं, उनके लिए जॉब नहीं है। तो स्टूडेंट इस तरफ आ रहे थे, यार चले कुछ YouTube चैनल बना लेते थे, कुछ TikTok पे अपना अमेरिकन अकाउंट मोनेटाइज। हमारी वर्थ, हमारी वैल्यू तो ये है कि हमें मोनेटाइजेशन नहीं दी जाती। Facebook की मोनेटाइजेशन हमारे पास नहीं है, TikTok की मोनेटाइजेशन हमारे पास नहीं है, हमारी वर्थ ही नहीं है, हमारी वैल्यू ही नहीं है। जिसका दिल, जो दिल करता है ना जिस कंट्री का, वो कंट्रैक्ट ख़त्म कर देता है। रिसेंटली आपने देखा होगा 5 से 6 माह पहले इंडिया चांद पे पहुंच गया, ठीक है, और अभी हम इसी पे लगे हुए हैं यार कि इस इलाके का नेट बंद कर दें,
इधर की गवर्नमेंट की इस तरह कर दे, इधर का गवर्नमेंट की इस तरह, तक की पॉसिबल नहीं है। तो ये आप कॉमन सेंस की बात है कि ये कैसी सेफ्टी है कि जिससे अपना घर ही सेफ नहीं है, ठीक है। तो आप इंडिया की तरफ अगर चले जाएं तो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने फ्रीलांसर्स को, नेट के उसमें किसी भी शोबे में चले जाएं, यहाँ पे 4G भी ठीक से नहीं चलता, वहाँ पे 6G की बातें हो रही हैं, 5G की बातें हो रही हैं, चांद पे जाने की बातें हो रही हैं, यहाँ पे वो बातें तो दूर हैं, यहाँ पे तो घर के मतलब किचन चलाना मुश्किल है, गैस नहीं आ रही, हमारे प्रॉब्लम क्या है जी, गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, एक तरफ इन चीज़ों के मसाइल हैं, दूसरी तरफ दूसरा मुल्क क्या सोच रहा है, हमें चांद पे कैसे कदम रखना है, हमें फलाना टारगेट कैसे अचीव करना है। देखें नो डाउट हम पाकिस्तानी या पाकिस्तान होने पे हमें फ़ख्र है, लेकिन इन चीज़ों का दुख होता है कि एक ऐसे मुल्क जो दो बराबर एक टाइम पे आज़ाद हुए हुए और एक इतना ज़्यादा आगे निकल गया, इतनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर लिया, दूसरी तरफ हम जलील हो रहे हैं रोटी के लिए, पानी के लिए, बिजली के। अब जो ये फायर वाल वाला जो आप सिस्टम बता रही हैं, एक सेफ्टी के नज़रिए से लॉन्च किया गया है ना, लेकिन क्या सेफ्टी हो रही है? आपका जो आईटी का सारा वो तबाह होगी, इंडस्ट्रीज तबाह हो गई है, जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, जो हमारे जितने भी नेट वगैरह कोई काम नहीं कर रहा, किसी को मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सअप काम नहीं कर रहा, भैया क्या किस मुल्क में रह रहे हैं हम, जहाँ पे सिग्नल, पहले सिग्नल का प्रॉब्लम था, पूरे नेट थोड़ा बहुत कहीं पर चलता था, अब भाई वो भी आपने बंद कर दिया है। तो मैं तो यही बोलूँगा आप हमारी रोटी भी बंद कर दो, कल को आप हमारी सांसें भी बंद कर दोगे, ठीक। इंडिया तो दूर की बात है, बांग्लादेश से हमारा मुवाजना नहीं बनता, वो हमसे आगे है। मुवाजना अगर मैं करना चाहे ना, आप इस टाइम करना चाहे, तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान से हम कर सकते हैं, उससे भी नहीं बनता। चले अफगानिस्तान 40 साल हालत जंग में रहा, उसके बाद आज उन्होंने अपने मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। हम तो आज खुद हमारा मुल्क बैसाखियों पे चल रहा है, हम तो अपने पैरों पे खड़े ही नहीं हो पा रहे। कहा जाता है एक फीवर के नाम से एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। मजे की बात यह है कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को नहीं पता होगा कि फीवर जो है इज एन इजरायली प्लेटफॉर्म, तो वो उनको जो फीवर है उसने उनके अकाउंट्स ही जो है वो डिसमेंटल कर दिए, अनअवेलेबल कर दिए हैं। सो ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनेट फायरवॉल जो है वो इंस्टॉल की जा रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जो जिसे कहते हैं ना इंटरनेट सर्विलेंस जो है वो भी जारी बात है बढ़ानी पड़ेगी हुकूमत पे, जो साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हुकूमत डिजिटल गवर्नेंस की बात कर रही है, डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रही है, और हम बड़े कमिटेड हैं, हम 5G लाना चाहते हैं, बड़ा कुछ हुकूमत कह रही है, बातें कमाल की कर लेंगे, लेकिन क्या उनको इस चीज़ का नहीं पता कि ये जो आए रोज ये जो बहुत सारे ऐसे जो फीवर के जो यूज़र्स हैं उन्होंने बताया है कि उनकी जो प्रोफाइल्स हैं वो अनअवेलेबल हैं, बिकॉज उसकी वजह ये है कि अब उनके बारे में नेगेटिव रेटिंग्स आ गई हैं, वो कौन लेगा सारा जॉब्स, वो इंडिया में चले जाएंगे, नेपाल में चले जाएंगे, बांग्लादेश में चले जाएंगे, हो सकता है अफगानिस्तान में भी चले जाएंगे। गवर्नमेंट की सुन लें, जो हमारी पार्लियामेंट है, सेनेट है, वो ये कहती है जी हमने हुकूमत को कहा है कि 2 हफ्तों में रिपोर्ट दे। भाई 2 हफ्ते में तो तबाही मच जाती है, ठीक है जी, 2 हफ्तों में तो भैया तबाही मच जाती है, 2 हफ्ते, ये तो 2 घंटे का काम होना चाहिए।